हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शौकीन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक यूएसबी स्पीकर बनाना। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक यूएसबी एम्पलीफायर स्पीकर आपको बनाना बताऊंगा किस प्रकार से बनता है। मार्केट में आप जानते हो दोस्तों कि 200 से 250 रुपये का यूएसबी एम्पलीफायर स्पीकर आता है, तो हम यही स्पीकर अपने घर पर भी बना सकते हैं बिल्कुल ईजीली, अगर हमारे पास एक नॉर्मल सा स्पीकर पड़ा हो इस प्रकार से। ये देखिए एक नॉर्मल सा स्पीकर है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, एक ट्यूटर जिसको बोलते हैं, या इसी प्रकार से कोई दूसरा स्पीकर भी अगर आपके पास पड़ा हो तो हम इसको बिल्कुल यूएसबी एम्पलीफायर बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये इसको किस प्रकार से बनाना है तो आगे मैं आपको बताता हूँ, और इसमें कोई खास खर्चा नहीं आएगा। आपके पास एक खराब सा ऐसा स्पीकर पड़ा हो जो कोई काम का नहीं हो तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसके साथ ही हम जो कंपोनेंट है वो मात्र 12 रुपये में आएंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए ये दो ट्रांजिस्टर है, ये D882 नंबर के हैं, यह आपको मात्र 10 रुपये में पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है 680 किलो ओम की, ये आपको पड़ेगी 1 रुपये की, ठीक है। और ये मैंने 1 वाट के लिए, आप चाहे तो हाफ वाट की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो और भी सस्ती पड़ जाएगी। और एक 50 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेट का कंडेंसर लिया है मैंने। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना, इस एम्पलीफायर को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक हीट सिंक का कोई टुकड़ा ले लीजिए इस प्रकार से, जो कि आपको SMPS में भी मिल जाएगा और किसी भी सर्किट में मिल जाएगा, ऐसा एल्यूमिनियम का टुकड़ा, जिससे क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है हम इसमें कस देंगे एक माइक्रो सीट लगा के। ये देखिए एक माइक्रो सीट है, ये माइका सीट आती है, एक ये माइका सीट इसमें लगा के हम कस देंगे, जिससे क्या है कि अगर हम इसको वैसे कसेंगे तो यहाँ आप पीछे की तरफ देख सकते हैं ये वाला जो ग्राउंड है ये इसके टच हो जाएगा, इसलिए हमें ये माइक्रो सीट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम इसको इस एल्यूमिनियम की पत्ती के कस देंगे। ये दोस्तों ये हमने कस दिया, ऐसे ही हम दूसरा वाला भी कस देंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसको इसमें कस दिया है बिल्कुल, और अब आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस, जिससे क्या होगा ये लंबे समय तक चलेगा और ये जो ट्रांजिस्टर है ये हीट नहीं होंगे इस एल्यूमिनियम की पत्ती के द्वारा। तो चलिए अब आगे आपको बताता हूँ, मैं आपको इसका सर्किट भी बताऊँगा कि ये इसका सर्किट डायग्राम के द्वारा आप आसानी से और भी तरीके से समझ सकते हैं। कई मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे दोस्त है, वो सर्किट की भी मांग करते हैं कि सर प्लीज़ आप सर्किट भी बता दीजिएगा कि जो आपने बनाया है उसका सर्किट डायग्राम कैसा है, इसलिए मैं उसका सर्किट अपने हाथों से बनाया हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब आगे आपको बता देता हूँ करना क्या है। और जो ये ट्रांजिस्टर हमने लिए हैं, ये आपको बता दूँ ये D882 जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिए मैंने, ये रेजिस्टेंस में जो ट्रांजिस्टर का ये वाला सिरा है, इसमें आपको बता देता हूँ हमें कलेक्टर पर लगाना है। ये देखिए आपको बता देता हूँ, यहाँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये कलेक्टर और एमीटर पे आपको रेजिस्टेंस लगानी है पहले नंबर के ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, ये हमने लगा दिया है, ये आपको बता देता हूँ। देखिए ये इस प्रकार से मैंने लगाया है। अब आगे आपको बताता हूँ अब क्या करना है। ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर को हमें जो इसका प्लस वाला पॉइंट है, ये वाली लेग प्लस वाली हमें लगानी है एमीटर पे, ठीक है। जो पहला नंबर का ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर पे हमें लगाना है। ये देखिए दोस्तों मैंने इस प्रकार से लगा दिया है। अब आगे बताता हूँ आपको आगे क्या करना है।
इसके बाद में हमें एक ऐसा वायर का टुकड़ा लेना है, ठीक है। और ये जो वायर का टुकड़ा है, हमें जो पहला नंबर का ट्रांजिस्टर है उसके बेस से जो दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर है उसके एमिटर पे जोड़ना है इस प्लेग से, यानी इसका ये पहला नंबर का जो बेस है इसके इस वाले दूसरे नंबर के एमिटर से जोड़ना है डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, ये हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो दोस्तों अब हमें इस प्रकार से एक तो ऑक्स केबल लेनी है, और इसका अभी मैंने मीटर से इसको टेस्ट कर लिया है, जो इसका ग्राउंड वाला इस जो वायर है वो यहाँ पे ब्लू वाला है, ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला है इन दोनों में से हमने एक वायर रखा है। इसके बाद में हमें एक ऑक्स केबल, ये यूएसबी केबल भी लेनी है इस प्रकार से। तो इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है ये रेड वाला हो गया, और जो ग्राउंड वाला है ये इसमें येलो हो गया। अगर आपके पास इस प्रकार की केबल नहीं है, उसमें चार वायर निकले हुए हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ये इस साइड की केबल, इस साइड का जो वायर है जो जॉइंट आपको दिख रहा होगा ये उसका, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, और ये जो इस तरफ आपको दिख रहा होगा ये इसका ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड हो गया, ये लेना है आपको इस प्रकार से। तो अब इसको हमें इस प्रकार से ये जो बॉक्स वाले को और यूएसबी वाले को के ग्राउंड को आपस में इस प्रकार से जोड़ लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको आपस में जोड़ के, और अब हमें जो इस सर्किट के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बेस है ये सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर, हमें इसके ऊपर इस प्रकार से जोड़ना है। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे जो नए फ्रेंड इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब आगे मैं आपको बता देता हूँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो काफ़ी कुछ है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये नेगेटिव वाला हिस्सा है इस कैपेसिटर का, उस पर हम इस ऑडियो केबल का, ये पॉजिटिव वाला जो ये ऑडियो केबल है इसका ये पॉजिटिव वाला हिस्सा जोड़ देंगे इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसके जोड़ दिया है। तो अब जो ये वाला यूएसबी का ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये पॉजिटिव वाला वायर है, ये हमें जो फर्स्ट नंबर का ये कलेक्टर है यानी ये बीच वाली उस लेग पे हमें इसको जोड़ देना है यहाँ पे, ओके। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, वायरिंग यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों अब हमें जो ये स्पीकर है, जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी, तो उसके तो ये जो दो वायर है इनको इस सर्किट में इस प्रकार से जोड़ना है दोस्तों, बिल्कुल आसान है ये करना। अब ये जो दोनों वायर है हमें जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों उसके कलेक्टर पे जोड़ना है। तो दोस्तों एक तो एक वायर को हम इसके कलेक्टर पे इस प्रकार से जोड़ेंगे यहाँ, ठीक है दोस्तों, हमने ये यहाँ जोड़ दिया है। और जो दूसरा वाला जो वायर है उसको भी हम ये दूसरे वाले कलेक्टर के ऊपर जोड़ देंगे यानी बीच वाली लेग पे।
ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हमें इसको टेस्ट करके देखना है। हम इस सर्किट को आसानी से इस स्पीकर के अंदर भी रख सकते हैं और बिल्कुल इसको इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो सर्किट है ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑडियो ये मैंने यूएसबी पिन लिया है यहाँ से, ये प्लस वाला, ये ग्राउंड वाला, ये हमने इस प्रकार से मैंने इसको जोड़ा है। और ये आप देख सकते हैं ये ऑक्स केबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो ट्रांजिस्टर इस प्रकार से लिए है, ट्रांजिस्टर 1 और 2, इसके एमिटर को ये बेस से जोड़ा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी। और यहाँ जो आप देख सकते हैं इसका बेस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़ी हुई है और ये कलेक्टर से होती इस प्रकार से है। और इसी के कलेक्टर से हम आगे एक कैपेसिटर जोड़े हैं, उसका पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ, और जो नेगेटिव वाले हिस्से से इसके जो पॉजिटिव वाला ऑक्स का वायर जुड़ा हुआ है, और यहाँ कलेक्टर के और इस वाले कलेक्टर से यहाँ स्पीकर का ये दोनों वायर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको पूरा उस सर्किट में बता ही दिया है मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एडाप्टर लिया है सर्किट को, अब मैं यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा अभी स्पीकर जैसे ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं जैसे हम इसको टच करते हैं और ऑडियो सिग्नल आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इसको इसलिए ऊपर किया है ताकि आपको सारा अच्छे से दिख जाए। तो अब मैं आपको इसको खोल के यहाँ से बताता हूँ। अलग अलग स्पीकरों में अलग अलग तरीके से ये खुल जाते हैं, कोई आगे से कोई पीछे से। तो अभी ये जो स्पीकर है आगे से खोल के आप इस सर्किट को इसके अंदर भी डाल सकते हैं और कस सकते हैं, या कैसे भी कोई लिक्विड कुछ भी ग्लू वगैरह से चिपका के अंदर रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये स्पीकर जो चालू है तो किस प्रकार से ये भी, तो अभी क्या है इसमें जाली लगी हुई थी, तो ये जो आप आवाज़ आ रही है टक टक की, इससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियो का वायर लगा हुआ है मोबाइल के अंदर, तो ये मोबाइल के अंदर से इस प्रकार से आ रही है। तो कई बार कई मोबाइलों में ऐसी दिक्कत होती है, उसकी वजह से ऐसी आवाज़ आती रहती है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल नज़दीक ले जाके आपको बता देता हूँ दोस्तों।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोकिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।